अपने में श्वास है, जब तक हमारा जीवन है, तब तो जो भी हम नियम धारण कर लें उस नियम का प्राणपण से निर्वाह करें। बहुत से संतों के नियम होते हैं और उन नियमों का निर्वाह ठाकुर जी कृपा करके करते हैं। हमारे वृंदावन में सखा सदन वाले महाराज थे, ये 64 महंत की जो समाधि है उसके सामने स्थान है सखा बिहारी सदन, वहाँ के महाराज जी थे श्री हरिनाम दास जी महाराज। सख्य भाव की उपासना थी, शरीर तो स्त्री शरीर था पर उनका नाम हरिनाम दास जी था, हम ठाकुर जी के सखा हैं इस भाव में वो रहते थे। बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी। हमने सखा सदन में कई कथाएं कही, छोटी सी जगह, इस हॉल से भी छोटा जगह, छोटी जगह, अब तो कुछ नया बन गया तो शायद कुछ बढ़ गया हो, और छोटी जगह उसमें हमने कथा कही, केवल उन संत के प्रेम को देख करके। अब उस समय दो समय कथा होती थी और श्रोता भी ऐसे पक्के थे महाराज, वो कथा होने के शुरू होने के घंटा भर पहले जाके बैठ जाते, क्यों वहाँ तो इतनी देर पहले ना बैठे तो वहाँ पैर रखने की जगह ना बचे, बाहर रोड पे बैठ जाते, 64 मंथ समाधि के पास लोग बैठ जाते, माइक लगा रहता, लोग बाहर बैठ के भी सुनते। तो उनका नियम था, श्री हरिनाम दास जी महाराज का नियम था 3.5 लक्ष नाम नित्य करना, क्या 3.5 लाख नाम रोज करना नियम था, पूरा जीवन ऐसे ही उनका गया। और 1 लाख नाम जब पूरा हो जाता था तब वो एक गिलास छाछ लेते थे, ब्रजवासी शरीर था, एक गिलास छाछ जरूर लेते थे कि ठंडी गर्मी बरसात, और चाय फाय काढ़ा वाढ़ा ये सब गर्म चीज कोई चीज नहीं खाते थे। तो जिस दिन उनका शरीर पूरा होना था, तो बाद में जब वृद्ध हो गए तो 3.5 की संख्या करने में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप देते थे, पहले तो बहुत बैठक करते थे, कर लेते थे पूरा नियम। पर जिस दिन उनको शरीर पूरा होना था, यदि वे 2-3 बैठक में अपना जप करते तो जप पूरा नहीं कर सकते थे, पर आखिरी जिस दिन उनको जाना था उस दिन एक बैठक में 3.5 लाख नाम किया उन्होंने, कितना एक बैठक में, तो शरीर में बुखार था, ज्वर था उनके शरीर में। और उनके शिष्य थे वो भी बुजुर्ग ही थे, भैया जी कहते थे उनको हम लोग, वो ब्रजवासी थे शरीर से। तो महाराज जी छाछ ले लो, इशारा किया, बोले नहीं। सारा नियम पूर्ण हुआ, शाम को गुनगुने जल से नहाया, बोले भैया आज रात तक जग नहीं सकते, आज समय हम पे नहीं है। स्नान किया, तिलक किए, बोले आज आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, आपको बुखार भी था, अब क्या आप तो परोठा साग दूध ये सब ब्यारू में ठाकुर जी को भोग लगाया, बोले तुम नहीं मानते हो तो तुमको खिलाने के हिसाब से चलो। वो ऐसे शिष्य थे गुरु जी ने नहीं पाए तो उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो तुमको खिलाने के हिसाब से तो एक ग्रास उन्होंने परोठा लिया, जल पी लिया और 1-2 घूट दूध लिया और कहा तुम लोग पालो प्रसाद, प्रसाद पा लिया। उन्होंने जैसे ही प्रसाद पाया सोई थोड़ी सी हल्की सी बेचैनी बढ़ी, महाराज जी क्या हो गया, कहते तुम लोगों ने पा लिया कि नहीं, सब ने पा लिया, तो बस थोड़ी हिचकी आनी शुरू हुई और सख्य भाव था ठाकुर जी के प्रति, तो बोले क्यों रे
नारे काय को भीच रहो है। ठाकुर जी से बोले, चोरे नारे काय को भीच रहो है, ले चलना तो ऐसे ही ले चल, हिचकी आ रही थी ना, तो नारे काय को भीच रहो है, ले चलना तो ऐसी ले चल। इतना कहते ही उनकी हिचकी आना बंद हो गई और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, तीव्र गति से नाम शुरू हुआ। उन्होंने कहा, महाराज जी आपको हो क्या गया, आपको पसीना सा आ रहा है। बोले, भैया अब हम जा रहे हैं, चले जाएं। उनके मुंह से निकला कि जैसी कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। अब वो सोच के नहीं बोले, अपने आप मुंह से निकला, अच्छो भैया। महामंत्र करते करते भगवत धाम चले गए। हमसे एक बात कहते थे, बाबा बस मैं तो एक ही बात चाहूं कि या भेष में जब सो आया हूं तब सो ये हमारो भजन को नियम छूट न जाए। ये उनके मन में विशेष भाव था, तो उस भाव की पूर्ति अंतिम क्षण में भी हुई। इसी वृंदावन की घटना है। 5-10 माला का भी नियम ऐसा धारण कर लो कि बस प्रतिज्ञा पूर्वक उतना करना ही है। अरे केवल भगवत चरणामृत लेने का नियम बस, फिर ऐसा पक्का नियम कर लो कि चरणामृत नहीं लेंगे तब तक कुछ भी हो जाए कुछ भी ग्रहण नहीं करें। कभी न कभी ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे, कोई परीक्षा का अवसर आएगा। हमारे महाराज जी कहते, ठाकुर जी परीक्षा की घड़ी इसलिए नहीं देते कि भक्त को फेल करना चाहते हैं, वो भक्त को थोड़ा ठोक बजाकर तब अपना प्रेम दान करते हैं और भक्त की कीर्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए ठाकुर जी लीला करते हैं। उस समय बस खरे उतर जाओ, ठाकुर जी से कहो, प्रभु हम तो आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं नहीं, पर नियम का निर्वाह तो आपको ही करना पड़ेगा, आप ही कीजिए। हम ऐसे योग्य विद्यार्थी नहीं हैं कि आप परीक्षा लें और हम पास हो जाएं, हम तो पहले से ही फेल हैं, आपकी कृपा से पास होंगे। पहले होता था ना, कृपांक से। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।